जितना स्ट्रेस लोगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। ये जो मौका मिला था हमें इस गाने को रिक्रिएट करने का, इसे एक नया साउंडस्केप, जैसे ध्वनि ऑलवेज कहती है, नया साउंडस्केप दिया है, नया एक डायमेंशन दिया है। जो आजकल जो की जो जेनरेशन है वो इस गाने पे इतनी नाची नहीं है, इतना मज़ा नहीं लिया है, तो उनको एक मौका मिलेगा कि ये हमारे बचपन के गाने को। जस्ट टू रीलिव इट यू नो। करेक्ट। और आजकल आप देखें तो जितने गाने बज रहे हैं आपके क्लब्स में, या तो पार्टीज़ में या तो शादियों में, जिसमें बेस बहुत ज़्यादा है, और ये ओरिजिनल जो था उसमें बेस कम था। तो इन दिस देयर इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ द सॉन्ग विच कैन बी प्लेड मोर इंटीग्रली विद द अदर सॉन्ग्स दैट आर पार्ट ऑफ योर प्ले लिस्ट। सो आई थिंक यू नो पीपल विल एन्जॉय डांसिंग। बहुत ही सरियल एक्सपीरियंस था। आई थिंक आई वॉज स्टारस्ट्रक ऑल्सो जब वो आए थे। और आप सडनली बॉडी रिजर्व कर लेते हो, नर्वस हो जाते हो, एटलीस्ट मेरे साथ होता है। तो आई डेंट इमेजिन दैट ही वुड बी सो स्वीट एंड सो ईजी टू बी विथ, यू नो। एंड और कल जब वो यहाँ थे हमारे साथ, जब प्रमोट भी कर रहे थे, तो उनकी बातें सुन के आप सुनते ही रहना चाहते हो, यू नो। वी हैज़ ही हैज़ सो मच टू शेयर एंड सो मच टू गिव दैट यू कैन लर्न फ्रॉम। सो बहुत ही मज़ेदार था 2 दिन जो शूट किए हमने, नाचते में, गाने में। ये गाना बज रहा था, मनोज सर के साथ मोमेंट स्पेंड किए, तो ओवरऑल ही बहुत मज़ा आया। ये जो भी हम आप देख रहे हो, और जी अगर आपको अच्छा लगा, आपको इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें मज़ा आया इस ये गाने बनाते में। और मेहनती लड़की है, यंग है, टैलेंटेड है, और 100% ऑलवेज अपना देती है, जितना तक मैंने देखा है।